हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर दोबारा पढ़ते हैं। इसमें जो मोमेंट हमने पढ़ा था उसका अगला एप्लीकेशन, दैट इज तुला धर्म, जिसे स्टील यार्ड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा धर्म कांटा, जिसे लिखा रहता है ना, कंप्यूटर धर्म कांटा, इस धर्म कांटे पर ये उसी का एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम इसे मेजर करते हैं वेट को वहां पर। इसके अंदर हमारे पास एक चलित भार होता है, ये जो लीवर है हमारा, एक चलित भार होता है जिसे हम एडजस्ट करके इसे हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, और जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तभी हम इसकी मेजर करते हैं सहायता से वेट को। ये इसका फलकर्म है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, और लीवर और ये जो उसका जो भार है वो बिंदु जी से नीचे की ओर लग रहा है, और डब्लू जो ये भार इस यहाँ पर हैंग कर रहा है ये वो भार है जिसे हम मेजर करना है। तो एफ तो यहाँ पर फलकर्म हो गया, जी लीवर तथा हुक का गुरुत्व केंद्र, ये जो हुक है हमारे पास, इन सब का हुक का वेट मिलाते हुए दैट इज इसका गुरुत्व केंद्र। डब्लू वस्तु का भार जो हमें कैलकुलेट करना है, डब्लू वन चलित भार जिसको हम एडजस्ट करके मेजर करते हैं वेट, और डब्लू टू लीवर ए बी का हुक सहित भार। हमने माना कि लीवर क्षैतिज अवस्था में करने के लिए चलित भार को सी से डी पर सरकाया जाता है। पहले ये यहां पर था लेकिन इसे हॉरिजॉन्टल करने के लिए हमें यहां से यहां तक इसे सरकाया जाता है, सी से डी तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फलकर्म एफ के अबाउट इनका मोमेंट ले लेंगे। हमारे पास एक तो वेट डब्लू वन है, डब्लू टू है, और एक जो वेट हमें मेजर करना है वो डब्लू है। तो डब्लू वन इंटू एफ डी, डब्लू वन इंटू एफ डी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो ये तो प्लस में हो जाएगा, बराबर किसी को हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। डब्लू टू इंटू जी एफ प्लस डब्लू इंटू एफ, तो हमारे पास जो भार होगा जो हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास तुला दंड की सहायता से हम किसी भी अज्ञात वस्तु का भार मेजर कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है इसका लीवर सेफ्टी वाल्व। लीवर सेफ्टी वाल्व क्या होता है, जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर हमारे पास लगी रहती है वाल्व, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है, उसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। हमारे पास ये एक इसका लीवर है जिसमें डब्लू वन चलित भार है जो ये इधर उधर सरका के इसे हम नीचे को प्रेस करके रखता है। डब्लू टू लीवर का भार है जो यहाँ पर लगा हुआ है डी पर, डब्लू वाल्व का भार, पी भाप का दाब जो ये नीचे भाप बन रही है इसका जो प्रेशर है ऊपर को जो निकलने की कोशिश कर रहा है उसका दाब है, डी वाल्व का व्यास दैट इज ये आपको दिखाया गया है, एफ लीवर पर ऊपर की ओर लगने वाला बल प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर ये इसका हमारे पास ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स हो जाएगा, और आर क्या है इस आलम पर प्रतिक्रिया यहाँ पर, तो ये फलकर्म है इसका जिसके ये लीवर जुड़ा हुआ है यहाँ पर दैट इज जो रिएक्शन लगेगी। तो हमें यहाँ पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पी की कि पी का क्या मान होगा फलकर्म के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो डब्लू वन सबसे पहले तो डब्लू डब्लू इंटू बी ई बिल्कुल सही, एंड डब्लू टू इंटू टी ई ये भी क्लॉक वाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये भी क्लॉक वाइज, डब्लू वन ये भी क्लॉक वाइज, सी ई ये आ गया हमारे पास, लेकिन ये ऊपर की ओर लग रहा है तो ये ऐसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो माइनस का पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर फोर्स हमारे पास, जब हम प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया से तभी फोर्स आएगा, तो पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू डिस्टेंस हो गई बी ई हमारे पास ये आ गया। तो इसे पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर को मैं एफ भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ लिख दिया मैंने, एफ इंटू बी इक्वल टू दिस वन, तो एफ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब यदि ये तो हमारे पास फोर्स हो गया जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, अब यदि हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है ये प्रेशर कितना होगा, हम इसमें नीचे इसके एरिया से यदि भाग दे देते हैं इसको तो वी गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। इन दोनों एग्जांपल्स के तुला दंड और लीवर सेफ्टी वाल्व दोनों के ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं एग्जाम में, तो उसका हम न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।